नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सोल्जर। पेश करूंगा अक्टूबर 2020 मंथली का मंथली फोरकास्ट, मासिक भविष्य। इस पूरे मंथली फोरकास्ट को जो हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं, इसका बेस है आपका मून साइन, इसका बेस है आपकी चंद्र राशि। लेकिन मैं आपको ओपनली ये भी कहना चाहता हूँ, इस मंथली फोरकास्ट को आप अपने लगन राशि के मुताबिक भी इसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ले सकते हैं। इसकी पूरी प्रोडक्शन आप अपने लगन साइन के मुताबिक भी ले सकते हैं, मून साइन के मुताबिक या लगन साइन के मुताबिक या राइजिंग साइन या लग्न राशि के मुताबिक या चंद्र राशि के मुताबिक इसको आप ले सकते हैं। बात करेंगे स्कॉर्पियो मेरी मुराद है वृश्चिक राशि से। बुध का गोचर 12वें घर में, 22 सितंबर से लेकर 28 नवंबर तक बुध आपके 12वें घर में जब होगा तो यह हालात देगा। मरकरी का ट्रांजिट 12वें घर में, आपके मून साइन से मरकरी जब 12वें घर में हो, बुध का गोचर 12वें घर में आपके मून साइन से, मरकरी जब 12वें घर में होगा तो ये आपके मून साइन से खर्चे बढ़ा देगा। कई बार आपका खर्च आप सीक्रेट प्लेयर के लिए भी कर सकते हैं। आप बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं और उस पे पैसा खर्च आपका हो जाएगा, लग्जरीज को इंजॉय करेंगे, सीक्रेट प्लेयर के लिए पैसा खर्च करेंगे। मरकरी जब 12वें घर में होगा, लिटिगेशन से बच के रहना होगा। आपको पैसा का नुकसान बहुत हो सकता है लिटिगेशन के अंदर। बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा अपने टास्क को अचीव करने के लिए, और शत्रु से बच के रहें। और कई बार लोग आपको एम्बेरस करेंगे, आपको शर्मिंदा करेंगे। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, सोच समय के चलना होगा, विचार करके चलना होगा। मेंटली बहुत बातों पर डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत बातों पर परेशान भी हो सकते हैं, टेंशन बहुत होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। मरकरी जो 12वें घर में होगा, डिस्ट्रेस बहुत होंगे, कई बार मन में संतुष्टि नहीं होगी, कई चीज़ों पे बहुत ऊब जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे, सिकनेस बहुत होगी, प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगे, विचार करके चले। वीनस का गोचर दशम भाव में 28 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक वीनस का गोचर दशम भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर दशम भाव में, आपके मून साइन से दशम भाव में जो वीनस आएगा, गुस्सा देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, बेचैनी देगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बहुत केयरफुल रहें पैसों को लेके, प्रोफेशनल डिसीजन को लेके। लोन वोन भी लेना चाहते हो तो विचार कर लें, अपने आप को बहुत बड़े कर्जों से बचा के रखें, बहुत ज़्यादा परेशानियों से बच के रहें, फिजूल की डिस्कशन से बच के रहें, ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका नुकसान हो। बहुत केयरफुल रहें, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, स्टेटस का ध्यान रखें, ह्यूमिलेशन से बचें, और अपनी लड़ाई झगड़े अपने तक सीमित रखें, बहुत बड़ी डेवलप्ड मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रखें, शत्रुओं का दमन होने से बचा के रखें, लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बहुत सारी परेशानियों से आपको अपने आप को फारिग करना होगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड हार्डवर्क करके आपको सक्सेस मिलेगी वैसे नहीं, बहुत हार्डवर्क करके ही आपको कामयाबी मिलेगी वैसे नहीं, बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। मंगल का गोचर पंचम भाव में 4 अक्टूबर से लेके 24 दिसंबर तक, मंगल गोचर के दौरान, आपका अपना स्वामी गोचर के दौरान पंचम भाव में होगा तो यह हालात देगा। मंगल का गोचर पंचम भाव में, आपके मून साइन से पंचम भाव में, गोचर के दौरान फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट के दौरान, जब मंगल पंचम भाव में आएगा तो यह टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कई बार परेशानी वाला टाइम होगा। इस टाइम के दौरान आपको बहुत अकलमंदी दिखानी पड़ेगी, खर्चों को कंट्रोल में करना पड़ेगा और अपनी फाइनेंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तब बनेगी बात। फैमिली लाइफ पे भी ज़रा कंट्रोल रखना पड़ेगा, कई बातों को लेके, फैमिली को लेके, बच्चे की पैदाइश को लेके बड़े इशू बन सकता है। अगर आप फीमेल हैं और मंगल पंचम भाव में है, मिस कैरिज से बचना होगा। अगर आप मैरिड पर्सन हैं और मेल हैं और मंगल पंचम भाव में, गुस्से की आँच को कम करें, ये तो घर में फसाद पैदा करके बैठ जाएंगे। शत्रुओं को ध्यान से डील करें, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और जो टाइम पीरियड ऐसा है, हरासमेंट से बचें और लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें, हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें। और इस टाइम के दौरान बीमारियों से फारिग होना होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड पर्सनल बिहेवियर के चेंजेस बहुत हो सकती हैं, कई बार आपके बहुत बातों पर आप फ्यूरियस हो सकते हैं। और ये टाइम पीरियड अपनी ग्लोरी ऑफ फेम का ध्यान रखें, अपनी अननेसेसरी इमोरल डीड से अपने आप को बचा रखें, ऐसा कुछ ना करें जो आपको आपके लिए गलत हो, नहीं तो आप अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद के बैठ जाएंगे। लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, फैमिली मेंबर्स के साथ फसाद पैदा ना होने पाए।
सूर्य गोचर के दौरान 12वें घर में 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य गोचर के दौरान 12वें घर में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर 12वें भाव में, सूर्य 12वें भाव में आपकी चंद्र राशि से जब 12वें भाव में आएगा, फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत केयर करनी पड़ेगी, फाइनेंस का ध्यान रखें। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, हार्ड टाइम से गुजरना पड़ेगा। सूर्य 12वें भाव में होगा, कई बार लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपकी एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार आप पे कम हो सकता है, जैसे होना चाहिए वो नहीं होगा, या जिस तरह से आप सपोर्ट लेना चाहते हैं वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सूर्य जब 12वें भाव में होगा, कई बार लोग आपकी एफर्ट्स को उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कई बार आपका दिल उस वजह से कई बार डिसहार्टन हो सकते हैं। एफर्ट्स अपनी जारी रख के हार्डवर्क करते रहे, डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको जैसे चाहते हैं नहीं मिलेंगे, कोशिश बहुत करते रहना पड़ेगा, सेटबैक्स बहुत आएंगे, बहुत केयरफुल रहे डीलिंग्स को लेके। ये टाइम पीरियड रफ थोड़ा हो सकता है, सो लोगों की जैसी बैकिंग आप चाहते हैं कि पर वो लोगों की बैकिंग वैसे नहीं मिलेगी, उल्टा लोग आपसे पीछे हट जाएंगे। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें और इस समय फिजूल बातों में अपने आप को ना उलझाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, और लोगों का एटीट्यूड कई बार आपके प्रति या ऑकवर्ड होगा या बदला हुआ होगा। कई बार कहते हैं ना, बदले बदले सरकार मेरे नज़र आते हैं, वो हाल होगा। कई बार जो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे, जो सक्सेस आप चाहते हैं वो कई बार उसमें नहीं मिलेगी। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो उसमें पार्टिसिपेट ना करें। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके, बुखार हो को लेके, आईसाइट को लेके थोड़ा ध्यान रखें, पीस और हार्मोनी बनाए रखें, परेशानी बहुत हो सकती है, विचार करके चलें। अक्टूबर 2020 के अंदर बृहस्पति दूसरे भाव में, अगर आप कंसल्टेंट हैं फिर तो वारे न्यारे हैं, फिर मिट्टी में भी सोना है। अगर आप कंसल्टेंट हैं फिर आप लोग आपकी बात को मानेंगे, लोग आपको तरजीह देंगे, लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे, हर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। अगर कंसल्टेंट हैं आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, स्काई इज लिमिट। शनि की पोजिशन तीसरे भाव में, अपनी कम्युनिकेशन को फ्लोलेस कर लें, स्काई इज लिमिट, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, जो कहेंगे सच हो जाएगा। इस मंथ के अंदर उपाय क्या है, मंत्र साधना क्या है, इस पूरे मंथ के अंदर, अक्टूबर के अंदर मरकरी और मार्स दोनों पे आपको काम करना होगा। दोनों पे काम करेंगे, प्रोफेशनल लॉसेज नहीं होंगे, फाइनेंशियल लॉसेज नहीं होंगे, कर्जे नहीं बढ़ेंगे, हेल्थ हैप्पी हार्मोनी हैप्पीनेस बनी रहेगी, परेशानी नहीं होगी, जहनी तौर पे कोई इशू नहीं होगा। उपाय पद्धति प्रिकॉशन चैंटिंग आपको लेनी पड़ेगी, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, फुल मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उस मंथली हॉरोस्कोप को अपने पूरे मंथ के अंदर इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए, या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके? अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।